फंडामेंटली ये सेंट्रली सारे उसको लिखा सिस्टम में करते हैं तो पहली चीज क्या था सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और
इस कॉन्सेप्ट को किसी तरीके से खत्म किया जाए, जो डाटा को सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के बजाय इसको डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया जाए कि ये फाइल हर कंपनी उसको दे दीजिए और वो खुद इसी फाइल को रिस्पॉन्सिबल हो इस पोस्ट फाइल, क्योंकि डीएनएस की जो हमारी वर्किंग करते हैं असल में डीएनएस की वर्किंग वो पोस्ट फाइल के ऊपर ही हो रही है। उसको थोड़ा सा उन्होंने थीम चेंज कर दिया है, लेकिन इट्स वो एक पोस्ट फाइल ही है। विंडोज में सिस्टम कंट्रोल में चला जाओ, वहां पर ड्राइवर में आपके अंदर पोस्ट फाइल ही होगी, उस पोस्ट फाइल को कंट्रीब्यूट कर दें तो डीएनएस आपसे वर्किंग करना शुरू कर दें। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इसको सिंगल पार्ट ऑफ फेलियर से शिफ्ट किसमें किया, डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट उसको शिफ्ट किए वो कैसे कैसे उन्होंने उसको शिफ्ट किया, कौन सा मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया, ये सारी चीजें आगे चल के देखेंगे। उसका जो टॉपिक स्टार्ट तो मैंने किया डीएनएस, लेकिन मंडे से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करने जो आप लोग आए हुए ये टॉपिक मैं इसका हूँ, क्योंकि ये एक 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 ही टॉपिक है पूरे कोर्स में जो इंटरेस्टिंग है। बाकी और भी टॉपिक हैं, लेकिन एक नेटवर्क या एक सिस्टम को सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नेटवर्क की लैंग्वेज को समझने के लिए, नेटवर्क की जबान को समझने के लिए अगर डीएनएस की वर्किंग समझ आ सकती है तो आपको नेटवर्क की दुनिया समझ आ जाएगी। अगर डीएनएस की वर्किंग का यही नहीं पता तो आपको बेशक 20 साल हो गए नेटवर्क में बैठे हुए, आपको आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। आज आपसे पूछ रहे कि गूगल का पेज आप तक पहुंचता कैसे, वो कैसे आता है, वो कौन सी क्वेरी कहाँ तक जाती है, किसके पास जाती है, तो ये आपको प्रॉपर चीजें नहीं समझ आती होती कि होता कैसे। ठीक है, तो अब इसमें इस कॉन्सेप्ट को अगर लेके चलते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या इश्यूज थे, इस कॉन्सेप्ट में क्योंकि ये जो मेथड है इस मेथड को कहते हैं फ्लैट सिस्टम। क्या कहते हैं? फ्लैट सिस्टम। होता क्या है फ्लैट सिस्टम, अगर आपसे कहा जाए लेकिन अगर एक छोटा वाला फ्लैट सिस्टम तो तब तक तो इजी है, अगर बढ़ता जाए, अगर आपसे कहा जाए के 5 लाख घर है इस्लामाबाद में, आपने कोई घर नंबर का घर का नंबर 1 लाख और आपने वहां तक पहुंचा, किसी चीज को नहीं पता, बस ये पता कि घर का नंबर 1 लाख। टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो ये था फ्लैट सिस्टम, इसको उन्होंने दिया था हम, इन्होंने क्या दिया, हायरार्किकल सिस्टम क्रिएट किया। कौन सा सिस्टम क्रिएट किया? हायरार्किकल। हायरार्किकल सिस्टम में क्या दिया जी, पहले जी लिखने आप इस्लामाबाद आ गए, फिर रोड नेम आ गए, फिर उसके बाद स्ट्रीट नेम आ गए, ठीक है, फिर सेक्टर या ब्लॉक सेक्टर जो भी है, ठीक है, फिर उसके बाद हाउस नंबर आ गए, हायरार्किकल हुआ ना ये सब। क्योंकि हम जो चीज यूज कर रहे थे होस्ट फाइल में वो फ्लैट सिस्टम है, हमने फाइल डाउनलोड करनी है फिर वहां तक पहुंचना है, फाइल ही नहीं होती पहुंचे नहीं कैसे, ठीक है, अगर गूगल तक पहुंचना है तो पहुंचे कैसे, हॉटमेल तक पहुंचना पहुंचे नहीं कैसे, ठीक है, आपने क्या अपनी इंडस्ट्रो वेबसाइट तक पहुंचना पहुंचे नहीं कैसे, कि आपके लैपटॉप को इतना या आपके सिस्टम का नॉलेज होता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ पर पड़ी है, वो इतना टैलेंटेड होता है नहीं होता, ठीक है, तो फिर इसको उन्होंने क्या किया, फिर इसको कुछ उन्होंने पोर्शन में शिफ्ट किया, इसमें 4 पोर्शन है, कितने पोर्शन है, 4 पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन डॉट, ये डॉट भी लिखा जाता है लेकिन हम नहीं इसे टाइप करते, अगर हैकिंग करनी है तो फिर जरूर कर लेते, ये डू डीएनएस होता है ना, किसी की सोर्स कोड देखना था फिर जरूर देखा जाता है, वैसे तो हम इसको लिखते हैं क्योंकि पेज का सोर्स कोड इसको बाहर निकल आता है, ठीक है, फर्स्ट जो है इसमें ये हायरार्किकल है, इसमें आपके 4 लेवल्स हैं,
ठीक है, पहला जो है इसमें कहते हैं कॉपलर, कॉपलर वर्ड मीन्स, देन उसके बाद सेकंड एरो, ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी ये रूट लेवल है, ये रूट लेवल है, ये टॉप लेवल है, ये आपका सेकंड लेवल है, और ये उसको बोलते हैं पोस्ट। रूट, टॉप, सेकंड एंड पोस्ट लेवल। सर इसके में अगर मैप्स डॉट गूगल डॉट कॉम होता है तो मैप्स डॉट गूगल ये दोनों इकट्ठे रहते हैं सेकंड लेवल। मैं बताता हूं इसमें, क्योंकि देखिए सर कॉम तक बात ही कर जाती है, कॉम डॉट पीके भी हो सकता है, code.uk भी हो सकता है, education.code.uk भी हो सकता है, कॉम, ठीक है, तो वो किसमें आ रही है, वो सारी की सारी आपकी टॉप लेवल आई है इसमें आ रही है। देखिए इसको कॉम को शिफ्ट करें को में, कॉम को शिफ्ट करें आप पीके में, ठीक है, कॉम डॉट पीके आ जाए, code.uk आपका यूके आ जाए, education.pk आ जाए, ठीक है, या education.com.pk आ जाए। अच्छा ये सारे टॉप लेवल आई एस पी इसको बोलते हैं, टॉप लेवल आई एस पी इसको बोला जाता है, ठीक है, ये सारी इसी में आती है, टॉप लेवल आई एस पी इसको बोलते हैं। तुम्हारा जो नेक्स्ट लिंक है, तुम्हारा जो नेक्स्ट पाथ है, उसका मैं रास्ता तुम्हें जरूर बता सकूंगा।
तुमने पॉम की तरफ जाना, मैं तुम्हें बताता हूँ पॉम कहाँ पे है। मेरे पास पॉम की इन्फॉर्मेशन जरूर है, वो उसे पॉम की इन्फॉर्मेशन दे। वो जो पॉम की इन्फॉर्मेशन के पास जाता है तो पॉम से पूछता है गूगल कहाँ, वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ गूगल कहाँ पे होता है। वो आगे से डायरेक्शन की तरफ कर देता है, रिडायरेक्ट उसको भेजता है गूगल की तरफ। जब गूगल के डीएनएस किसी तरफ फॉरवर्ड करता है तो डीएनएस की तरफ जाता है तो पूछता है गूगल का पेज किधर, कहता है मेरे पास तो पेज नहीं है। हाँ तो मेरे पास आगे मेरे पास उसका आईपी है, मैं उसके रिडायरेक्ट करता हूँ उसके पेज की तरफ, क्योंकि आईपी और हमने पेज दोनों का आपस में मैप किया हुआ है, क्योंकि नेम को आईपी कन्वर्जन था ना, ठीक है। नेम रेजोल्यूशन वहाँ पर आपको समझ आती है, नेम रेजोल्यूशन तो वहाँ से उसको उठा के देगा पेज, और पेज को उठा के देगा आईएसपी और आईएसपी फॉरवर्ड करेगा डीएनएस का, ठीक है। तो पेज आपको मिलेगा और आपकी कम्युनिकेशन किस से अटैम्प्ट होती है, गूगल के डीएनएस सर्वर से, ठीक है। वहाँ पर आपका कनेक्शन क्रिएट होता है, जिसको कनेक्शन पे बोलते हैं टीसीपी आईपी कनेक्शन। वहाँ पर आपके असल में पैकेट एक्सचेंज होता है। ये 9 वे कम्युनिकेशन चलती है टोटल, ठीक है। कैसे चलती है एक डायग्राम पूरी बना दूंगा, उसको ड्रॉ कर लेना तो समझ आ जाएगी कि कम्युनिकेशन चलती कैसे, ठीक है। तो क्यूरी कौन से फॉरवर्ड उसमें हो रही होगी, पूरी इसमें लिख दूंगा, रिवर्सल क्यूरी होती है और उसमें इंटीग्रेटेड क्यूरी होगी। क्लियर हो कुछ सर? ये जो डार्ट की इन्फॉर्मेशन आ रहा है एएसपी के पास होगी, ये एक तरह की होस्ट फाइल टाइप इन्फॉर्मेशन उसके पास पड़ी होती है? नहीं नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये जस्ट आईपीज होते हैं। सही हो गया, ठीक है। रूट सर्वर